2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, कल से नामांकन भी शुरू हो जाएगा और जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो लगातार दल बदल कर रहे हैं। इसमें अगर हम भाजपा की बात करें तो कई सारे मंत्रियों सहित करीब दर्जन भर विधायक इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हो चले। हमसे बातचीत करने के लिए इसमें नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी हैं, इनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इसे? जाहिर है कि कहीं ना कहीं दल बदल को लेकर के आपके समय में ये चीज़ें कही जाती थी कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आज के समय में जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार लगभग जब चली गई और उसके बाद एक बड़ा धड़ा जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया, हालांकि ये ज़रूर है कि भाजपा में इस बात को लेकर काफ़ी हलचल है, प्रदेश में इस बात को काफ़ी लेकर के हलचल है, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? ये भाजपा सरकार को हटाने के लिए शुभ दर्शन के रूप में इसको देखता हूँ। अशुभ है लोग भी भाजपा में गए तो भाजपा की सरकार बना है, अब इधर आए इधर की सरकार तो बनी रही थी और मजबूती से बनेगी। पूरे प्रदेश के हर जाति धर्म वर्ग के लोगों ने माननीय अखिलेश यादव को 5 वर्ष 12 से 17 का कार्यकाल या 17 से 22 तक का कार्यकाल देख लिया है लोगों ने, अब तुलना कर लिया है तो पूरे प्रदेश की जनता ने मन बल लिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो सत्य बोलने वाली है, जो कहा वो किया नहीं। समाजवादी पार्टी ने जो कहा वो किया और कुछ अलग से भी किया, इसलिए उन लोगों ने जनता ने मन बना लिया कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये तो पहले ही तय कर लिया था। इसके बाद गठबंधन भी हो गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से लोग टूट कर दिया गया और कई पार्टी से, बसपा से, भाजपा से, कांग्रेस से, तो समाजवादी पार्टी का कारोबार बहुत बड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कहेगी उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं। जितने भी इस्तीफे हुए हैं उनमें मैंने एक चीज देखा है कि सबने यही कहा कि गरीबों को, मजलूमों को या फिर इस तरह से जो भी जातियों के साथ काफी अन्याय हुआ और 5 साल तक बड़ी कोशिश की नेताओं ने, लेकिन उसके बावजूद भी जब सुनवाई नहीं हुई तब कहीं जाकर के इन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि आप भी नेता प्रतिपक्ष रहे, कभी आपने बातचीत नहीं की नेताओं से या फिर जाहिर है कि अगर बड़े चेहरे के रूप में देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य भी एक बड़े चेहरे के रूप में यहाँ पर अन्य जातियों के विषय में हमेशा वो बातचीत करते रहे, चाहे अनुसूचित जाति हो या दलित जाति हो, तो कभी कोई बातचीत आपकी नहीं हुई ऐसे नेता प्रतिपक्ष? बातचीत तो होती थी, बातचीत तो विधानसभा में इस मामले को मैं उठाता था तो उसमें इन लोगों के स्तर झुक जाते थे जरूर, और ऐसे कोई चोरी छुपे नहीं, चाहे मौर्या जी हों, चाहे केशव मौर्या जी हों, ये चाहे दारा सिंह हों, चाहे और बैकवर्ड के जो मंत्री या दलित हों, सबको मैंने कहा क्या पिछड़ा दलित के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, नौकरी में आरक्षण एक नहीं मिल रहा है, ये स्कॉलरशिप आधी कर दी, वो भी मिल रही है नहीं मिल रही है, फिर क्षतिपूर्ति खत्म कर दी गई, आखिर में आप लोग क्यों नहीं इस बात को, तो लोग तो कहते थे कि हम लोग कैबिनेट में उठाते हैं लेकिन हमारी बात कोई मानता नहीं, समय आने पर हम लोग बदला लेंगे। ये बात तो स्वामी प्रसाद भी अभी कह रहे हैं, दारा सिंह जी भी कह रहे हैं, जाहिर है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई तब आपके साथ आए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी से कभी कोई बातचीत आपकी हुई हो, आपने कहा हो कि भाई आप इसकी आवाज उठाइए और थोड़ा मजबूती से? मैं बिल्कुल मैं नहीं कहा कि आप दल छोड़िए बजाइए, अब इन किसी में से कभी मैं नहीं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मैंने बात की, हाउस के अंदर ही लॉबी में, लॉबी में नहीं वो आगे जो खर्च होता है, भाई आप मुख्यमंत्री हो, प्रदेश की पिछड़ों को तुम आशा बने हुए, तुम तो इस बात को उठाओ, कैबिनेट उठाओ, भाई हम लोग सब लोग सामने की इस्तीफा दे देंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं उसे भी कहा था हंस के टाल गए। प्रसाद जी ने कहा कि केशव जी की स्थिति वहां बेचारे जैसी है, आपसे बातचीत में ऐसा कभी लगा? अच्छा, आपको नहीं लगता कि केशव जी बेचारा है? वहाँ कभी स्टूल में बैठा दिया जाता है, कभी ऐसी हथेली में बैठा दिया जाता है सोफा सेट के, उनकी तो कोई वहाँ इज्जत ही नहीं है। कैसे आप देख रहे हैं हालात, क्योंकि जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि दर्जन भर से ऊपर तो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई दर्जनों नेता जो हैं वो बातचीत उनकी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी का भी लगातार बयान आ रहा है कि करीब दर्जनों नेता और आने वाले हैं, स्वामी प्रसाद जी भी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने एक नई और लिस्ट उन्होंने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपी है, तो क्या माहौल लग रहा है अब की लगातार एक भीड़ सी लग गई है भाजपा नेताओं की समाजवादी पार्टी में आने की, और ऐसा इतना बड़ा कारण बना क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार करीब 325 सीटों के अपने सहयोगी दलों के साथ में आई थी, पूर्ण बहुमत में थी, जो चाहती वो फैसला ले सकती थी, लेकिन इस समय ऐसे हालात क्यों बने? भाजपा की असफलता जनता के प्रति, जनता के प्रति नकारात्मक रुख, युवाओं के प्रति नकारात्मक रुख,
किसानों के प्रति नकारात्मक रुख, छात्र नौजवानों के प्रति नकारात्मक रुख, यही इसीलिए लोग भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे इस समय में, क्योंकि काफी बात कही जा रही है कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अयोध्या से चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से भाजपा जो है वो वहाँ से भगवान राम की बात कर सकती है और खुद इसलिए मुख्यमंत्री जी के लिए अयोध्या विधानसभा चुनी गई। नहीं, राम तो सबके हैं ना, राम किसी के घर के थोड़े, राम सबके, जो सनातन धर्म को मानने वाला है वो सबके लिए। क्या संदेश जाएगा अयोध्या से चुनाव लड़वाने का, भाजपा क्या संदेश देना चाहे, कितना असर रहेगा इसका? कुछ नहीं, भाजपा तो संदेश दिखला दिया कि हमने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, वही संदेश जनता में है। इस समय क्या लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है वो कैसा रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर यह भी होने वाली है कि जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान से चुनाव लड़ना चाहेंगे और जो व्यक्ति वहां से पहले से तैयारी कर रहा होगा उसकी नाराजगी शायद आप लोग को झेलना पड़े। कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता, चाहे उसका कितना ही घाटा लग जाए, वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता है और जो आ भी रहे हैं वो केवल लड़ने के लिए नहीं आ रहे, वो भाजपा को की सरकार जाए, अखिलेश जी की सरकार आवे, इसलिए भी वो लोग आ रहे हैं, कोई मतभेद नहीं हो। आपने लोहिया जी की राजनीति देखी है, राजनारायण जी को देखा है, उनको पढ़ा है, उनके लोगों को आप मानते भी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे समय भाजपा को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? नहीं, मैं जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, जो जिसका किसी का हक ही नहीं दिया हो, इन्हें क्या अगड़ा कहीं दिया, अगड़ा कभी हित नहीं दिया, अगड़े को भी 10% में बांध दिया नौकरी आरक्षण, जहां वो 50% में था उसको तो बांध दिया 10% में, ये किसी का नहीं किए, तो सब इनसे नाराज है। मैं ये आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश की हर जाति वर्ग धर्म के लोगों से कि अगर देश को बचाना है, किसान को बचाना है, बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाना है, महिलाओं की सुरक्षा होनी है, कानून व्यवस्था दुरुस्त होना है, देश की इज्जत, प्रदेश की इज्जत और प्रतिष्ठा को वापस लाना है, राजनीति की इज्जत और प्रतिष्ठा को वापस लाना है, लोकतंत्र को बहाल करना है, तानाशाही को समाप्त करना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना है, तो इस बार अंग्रेजों के खिलाफ जैसे देश खड़ा हुआ उस तरह से सबको खड़ा होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, नहीं तो ये फिर एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम की तरफ देश बढ़ा जा रहा है। आप इन्हें अंग्रेज मानते हैं? अंग्रेज इनको नहीं, जो इनके कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, इनके भी सभी साथी व्यापारी हैं, सब उन्हीं के हित में काम देश में हो रहा है। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो बिल्कुल ये थे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी, जिन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि कहीं ना कहीं अभी भी वहां पर जो भी पिछड़ों के नेता हैं उनकी हालत बेचारों जैसे बनी हुई है और जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आकर अपना व्यापार फैलाया था उसी और जिस तरह से जनता ने उन्हें भगाया था उसी तरह जनता एक बार फिर से इन्हें सत्ता से बाहर करे। कैमरा बाबूलाल जी के साथ विजय मिश्रा, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।